सुबह दिन की शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक तो परिस्थिति मुश्किल है, ऊपर से हम सबके पास आसपास उसके राइट आंसर्स नहीं है, ऊपर से नियम भी बदलते रहते हैं हर रोज, तो शिकायत करने के लिए तो बहुत कुछ है। परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, उसमें भी मन शिकायत करता है, बच्चों को ही नहीं देखा इतने दिनों से, तो शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है। भगवान से भी शिकायत कर देते हैं हम आजकल, जीवन से भी हम शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत करने से हमारी ये जो बैटरी है ये डाउन होती जाएगी, ये डाउन होती जाएगी, और अगर ये डाउन होती गई इसका असर हमारे शरीर पर पड़ेगा, एंड हमारी स्थिति का असर सब पर पड़ेगा, परिवार पर भी पड़ेगा, और सो हमारे पेशेंस है सब पर पड़ेगा। तो शिकायत तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो अपने मन को एक अलग भाषा सिखाते हैं, शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम अपने परिवार से इतने दिन से मिले नहीं, इस समय हमें कहना चाहिए मैं सेफ हूं, मेरा परिवार सेफ है, कितना शुक्रिया करें, मिले नहीं उससे क्या होता है, हम सेफ हैं, वो सेफ हैं, आपके बच्चे सेफ हैं, कितना शुक्रिया करें भगवान को उसके लिए। अगर मन को शुक्रिया करना सिखा देंगे ना, तो वो शिकायत नहीं करेगा, वो उदास नहीं होगा, वो उसी सीड को एक अलग नजरिए से देखेगा। तो सुबह की दिन की शुरुआत शुक्रिया करते हैं, सबसे फर्स्ट थॉट परमात्मा का शुक्रिया, सेकंड थॉट अपने तन और मन का शुक्रिया, माइंड एंड बॉडी हेल्दी है कितना शुक्रिया, फैमिली का शुक्रिया, आपके साथ जो सेवा करते हैं हॉस्पिटल में उनका शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। अगर हम सुबह सुबह शुक्रिया कर देना तो सारा दिन में शिकायत करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मन की भाषा चेंज हो जाएगी। तो सुबह सुबह शुक्रिया करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों की भाषा शुरू करते हैं, विच मीन्स अ वोकैबुलरी ऑफ हाई एनर्जी वर्ड्स, अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्योर प्योर पावरफुल अफर्मेशंस, हाई एनर्जी वर्ड्स, 10 थॉट्स लेते हैं। आप फिर कोई भी थॉट लीजिएगा, उसमें ऐड कीजिएगा, लेकिन आज हम बेसिक 10 थॉट्स लेते हैं, और वो 10 थॉट्स को हम अगले 10 डेज के लिए एक होमवर्क की तरह रिपीट करते हैं कई बार, और वो थॉट्स होंगी जो हम बनना चाहते हैं। एक इक्वेशन याद रखिएगा हमेशा, संकल्प से सिद्धि, जो हम सोचेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, थॉट्स मैनिफेस्ट, थॉट्स बिकम अ रियलिटी, लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आर थॉट्स, जो हम सोचेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। इस समय सिर्फ एक ही चीज करनी है, सोचना सही है, अगर हमने सोचा सही डेस्टिनी अपने आप सही हो जाएगी। तो 10 थॉट्स, 10 थॉट्स इन द मॉर्निंग हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थॉट, पहली सोच, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूं, सुबह की फर्स्ट थॉट। सेकंड थॉट, आई एम अ पीसफुल बींग, मैं शांत हूं। अब ये दो थॉट्स क्यों करनी है? पहली थॉट, आई एम अ पावरफुल बींग, पावरफुल बींग मीन्स मेरी स्थिति ऊपर है, परिस्थिति मुझ पर हावी नहीं हो सकती, लोगों का व्यवहार मुझ पर हावी नहीं हो सकता, कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे मैं डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि आई एम अ पावरफुल बींग, लोगों की एनर्जीज मुझे छू नहीं सकती, आई एम अ पावरफुल बींग। दूसरा, आई एम अ पीसफुल बींग, मैं शांत हूं, मतलब सारा दिन में नो गुस्सा, नो इरिटेशन, किसी से चिढ़कर बात करना इस समय तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस समय ऐसा किया ये बैटरी भी डाउन होगी। और जो दूसरा है जिसको हम डांट देंगे या चिढ़ के बात कर लेंगे, वो भी तो पता नहीं ना कौन सी मनोस्थिति से गुजर रहा है, तो इस समय हमारे आसपास के मन दुखी हैं उनको डांटना ये तो अच्छा कर्म नहीं होगा, गलतियां हो सकती हैं, हम डिसिप्लिन भी करेंगे लेकिन डांट नहीं सकते इस टाइम, वैसे तो कभी भी नहीं डांटना चाहिए, लेकिन इस समय डांटना तो बहुत रिस्की होगा, क्योंकि सामने वाले के अंदर डांट खाने की इस समय शक्ति कम है।
पावर टू टॉलरेट लोगों की घटी हुई है। तो इस समय सेम बात को कहना है, बट विद असर्टिव डिसिप्लिन, विद लॉट ऑफ लव, नॉट विद एंगर एंड इरिटेशन। तो फर्स्ट थॉट, आई एम अ पावरफुल बींग। सेकेंड थॉट, आई एम अ पीसफुल बींग। थर्ड थॉट, हमारी तीसरा संकल्प, आई एम अ फियरलेस बींग। मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। आप हैं निर्भय, इसीलिए तो रोज हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन हमें ये थॉट इसलिए करनी है ताकि हमारे आसपास के लोगों का डर हम पर कभी भी हावी ना हो जाए। सिर्फ आज नहीं, 1 महीना और, 2 महीना और। अभी तो जब लोग बाहर निकलेंगे, अभी तो घर में है तो भी डर लग रहा है, जब बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा अलग होगा। अभी लोग एक दूसरे से देखकर डरेंगे, काम करने की बजाय कितनी दूर खड़े होना है वो सारा दिन सोचेंगे। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन द माइंड। तो डर थोड़ा सा बढ़ेगा समाज में जब तक लोगों को इसको हैंडल करने की आदत ना पड़ जाए। आपको आदत पड़ गई है, लेकिन जिन्होंने अभी घर से बाहर निकलना है ना, उनको तो थोड़े दिन लगेंगे इसकी प्रैक्टिस करने में। तो इसलिए हमारे आसपास का डर हम पर हावी नहीं हो, तो हमें रोज ये थॉट क्रिएट करनी है, आई एम फियरलेस, मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। थ्री थॉट्स, फोर्थ थॉट, हमारा चौथा संकल्प, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी। हम ये थॉट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ताकि कहीं भी गलती से भी अगर ये सोच आ जाए, मुझे अगर हो गया तो, ये थॉट हमें स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ थॉट इवन इन आर ड्रीम्स। ये सोच यहाँ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सोच हमारे मन के लिए और ये सोच हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इट्स नॉट सेफ फॉर आर माइंड एंड बॉडी टू कीप दिस थॉट हियर। व्हाट इफ दिस हैपेंस टू मी? तो हमें उस थॉट को हटाना है। तो उस थॉट को हटाने के लिए हमें एक तो और थॉट ऊपर डालनी होगी। तो वो थॉट कौन सी होगी? माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी। मेरा शरीर स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। फिफ्थ थॉट, पांचवा संकल्प, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट मास्क लगाना है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये वाला थॉट है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ, एक एनर्जी सर्कल है, ये मेरा सुरक्षा कवच है। जैसे ये मेरा प्रोटेक्शन है ना, वैसे ये मेरा प्रोटेक्शन है, ये मेरा प्रोटेक्शन है। गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ सर्कल ऑफ व्हाइट लाइट अराउंड मी। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स एनर्जी। सिक्स्थ थॉट, नथिंग कैन एंटर इनटू दिस सर्कल। इस सुरक्षा कवच के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। एंड कुछ भी मतलब किसी की सोच भी नहीं, किसी का व्यवहार भी नहीं, किसी की कोई गलत बुरी बोली हुई बात भी नहीं, कुछ भी नहीं घुसेगा। आपको बुरा नहीं लगेगा लोगों का व्यवहार, बिकॉज आपने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया है। तो आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम फियरलेस, माई बॉडी इज हेल्दी। फिफ्थ थॉट, आई एम प्रोटेक्टेड बाई गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स। सिक्स्थ थॉट, छठा संकल्प, वो सेम परमात्मा की शक्तियों का सर्कल अपने परिवार के अराउंड ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर ये थॉट भी नहीं आनी चाहिए, अगर मेरे परिवार को हो गया तो। नो, संकल्प से सिद्धि, हम सिर्फ वो सोचेंगे जो हम चाहते हैं कि हो, हम वो नहीं सोचेंगे, नहीं बोलेंगे जो हम चाहते नहीं कि हो। वी विल ओनली थिंक दैट व्हाट वी वांट रियलिटी टू बी। डोंट थिंक और स्पीक दैट व्हाट यू डोंट वांट शुड हैपन। तो परमात्मा की शक्तियों का कवच परिवार के चारों तरफ। माई फैमिली इज सेफ, मेरा परिवार सुरक्षित है। नेक्स्ट थॉट, सेवेंथ, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं मेरे हॉस्पिटल के चारों तरफ। विजुअलाइज कीजिए सुबह आपका हॉस्पिटल एंड परमात्मा का एक वाइट एनर्जी सर्कल चारों तरफ। हर एक सुरक्षित है, एवरीवन इज सेफ।
फिर परमात्मा की शक्तियों का सर्कल पूरी सृष्टि के चारों तरफ, लुक एट द प्लैनेट लाइक दिस एंड इन सर्कल इट विद गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स। ये सृष्टि, मेरी दुनिया सेफ है। इस समय सब लोग बोल रहे हैं दुनिया, तो हमें वो सब नहीं बोलना, हम कहेंगे दुनिया मेरी सेफ है। वो चीज जो आई हुई थी सृष्टि पर, सब लोग बड़ी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि ये कितना टाइम और रहने वाली है, कब इसका हमें इलाज मिलेगा, कब हमें इसका वैक्सीन मिलेगा। कोई 6 महीना कह रहा है, कोई 1 साल कह रहा है, कोई थोड़ा और लंबा कह रहा है। ये स्टैटिस्टिक्स है, सही स्टैटिस्टिक्स है, दे आर एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स। बट वो स्टैटिस्टिक्स किस आधार पर है? वो स्टैटिस्टिक्स का आधार है आज की कंडीशन, टुडेज कंडीशन। किसी को भी नहीं पता है कि कितने दिन में वो वैक्सीन बन जाएगा, लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। ये लॉजिकल स्टैटिस्टिक्स होते हैं बेस्ड ऑन टुडेज कंडीशन। लेकिन अगर वाइब्रेशन ऊपर हो गई, अगर लोगों के मन पावरफुल हो गए, अगर सबने प्रे मेडिटेट और दुआ करनी शुरू कर दी, स्टैटिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे, मिरेकल्स क्रिएट होंगे। मिरेकल्स कभी कभी नहीं, अब हम सबने मिलकर मिरेकल क्रिएट करना है। तो वो वाले स्टैटिस्टिक्स सोचने और बोलने की बजाय आप कहना शुरू करिए, वो चीज जो आई थी वो चली गई है, चली गई, नेवर टू कम अगेन। जिनका रोल है ना वो स्टैटिस्टिक्स का, वो अपना रोल करेंगे। हमारा रोल तो नहीं है वो स्टैटिस्टिक्स गिनना, हमारा रोल है मन की स्थिति से वो स्टैटिस्टिक्स को खत्म करना। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप किसी के साथ बैठे हैं ना घर में या कमरे में या हॉस्पिटल में, अगर आप मन में सिर्फ उनसे परेशान हो रहे हो और आप सिर्फ एक थॉट करें, उठ जाए ना, अब जाए, कितनी देर से बैठे हुए, आप बोलेंगे नहीं कुछ भी उनको, आप सिर्फ मन में थॉट क्रिएट करना कि उठ जाओ अभी, मैं बोर हो गई आपके साथ बैठकर, अभी चलो आप जाओ। 5 मिनट के अंदर वो व्यक्ति उठकर जाने लगेगा। आप उसको बोलेंगे आप क्यों जा रहे हैं, बैठिए ना। कहेगा नहीं बस मुझे कोई काम याद आ गया, मुझे जाना है। क्यों गया वो? यहां से वाइब्रेशंस, आप चले जाओ। अगर हम कहते ना मन में ये तो अभी और आधा घंटा बैठेगा, अब आया है तो इतनी जल्दी थोड़ी जाएगा, ये तो कम से कम और 1 घंटा बैठकर ही जाएगा, तो वो 1 घंटे से ज्यादा बैठकर जाएंगे। इट इज पावर ऑफ वाइब्रेशंस ऑन अदर पीपल्स माइंड्स। तो उस चीज के लिए, और अपनी अफर्मेशन में उसका नाम नहीं लेते, हम कहेंगे वो चीज जो आई थी वो चली गई है हमेशा के लिए, नेवर एवर टू कम अगेन। एंड हमारा लास्ट संकल्प अफर्मेशन, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, आई एम गॉड्स एंजल, भगवान ने मुझे चुना है सबको सुख देने के लिए, भगवान ने मुझे चुना है सबको सुख देने के लिए, गॉड यूजेस मी टू गिव हैप्पीनेस एंड हेल्थ टू ऑल। परमात्मा मुझे यूज करके हर एक को सुकून और सेहत देता है। 10 थॉट्स, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, माई बॉडी इज हेल्दी, सॉरी, आई एम फियरलेस, माई बॉडी इज हेल्दी, गॉड्स पावर्स अराउंड मी, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, नथिंग कैन एंटर इन टू दिस सर्कल, गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स अराउंड माई फैमिली, दे आर सेफ, गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स अराउंड माई हॉस्पिटल, एंड गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। वो चीज जो आई थी चली गई है फिर कभी ना आने के लिए। एंड 10th थॉट, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, आई एम गॉड्स एंजल, एंड गॉड यूजेस मी टू गिव हैप्पीनेस एंड हेल्थ टू ऑल। 10 थॉट्स बोलने के लिए माइंड में सिर्फ 10 सेकेंड्स लगते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सुबह उठकर ये 10 थॉट्स बोल लीजिए आप, और उसको फील भी कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए। सुबह 5-10 मिनट दीजिए अपने आप को, ये 10 थॉट्स को बोलिए और इसको फील कीजिए। फिर परमात्मा से बात कीजिए, इट्स टाइम टू हैव अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद गॉड। भगवान से बात कीजिए, उसको सब कुछ बताइए कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या चल रहा है, और उसको अपने सारे पेशेंट्स के बारे में भी बताइएगा, और उसको कहिएगा आई सरेंडर टू यू, मुझे यूज करना आज, कि हर एक के साथ जो सही है मेरे थ्रू सिर्फ सही कर्म होना चाहिए। सो मेडिटेशन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। फिर आप जब हॉस्पिटल जा रहे होंगे या आ रहे होंगे, दोनों टाइम को आप यूज कीजिए,
10-15 मिनट तो लगेगा हॉस्पिटल पहुंचने में, उतनी देर में स्पिरिचुअल स्टडी, क्योंकि शायद अभी ज्यादा टाइम ना हो आपके पास, तो ट्रैवल टाइम को यूज कर लेते हैं कि उस समय पर आप आध्यात्मिक स्टडी, विच मीन्स परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान सुनेंगे, पढ़ेंगे या देखेंगे। अंदर क्या जाएगा सुबह सुबह? प्योरिटी, डिविनिटी, पावर, वो सब भरेगा। दुनिया में क्या चल रहा है वो नहीं भरेंगे, और भगवान क्या सिखा रहा है वो सुबह सुबह भर देंगे। तो जो अंदर जाएगा वो सोच बनेगी, जो सोच बनेगी वो सिद्ध हो जाएगा। तो ये हमारी सुबह के दिन की शुरुआत है, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया, फिर हमारे अफर्मेशंस, मेडिटेशन, और फिर थोड़ी देर स्पिरिचुअल स्टडी। फिर सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद हम 10 सेकंड के लिए रुकेंगे, और मुश्किल नहीं है 10 सेकंड निकालना। आपके लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको सब याद रहता है, हर एक को कितने बजे दवाई देनी है, हर एक का ब्लड प्रेशर कितने बजे चेक करना है, बस उतना ही अपनी नर्सिंग करनी है ना थोड़े दिन। तो मुझे हर 1 घंटे के बाद 10 सेकंड के लिए रुकना है, और 10 सेकंड रुक कर मुझे वो 10 थॉट्स रिपीट करने हैं। क्यों रिपीट करनी है? ताकि वो मेरे मन की स्थिति बन जाए और दूसरी थॉट्स खत्म हो जाए। तो हर 1 घंटे के बाद रात को सोने से पहले, 10 मिनट सोने से पहले फिर से स्पिरिचुअल स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को सोने से पहले अंदर क्या जाता है। जब रात को सोने से पहले हाई एनर्जी वर्ड्स अंदर जाएंगे ना, तो वो 5-6 घंटे जब आप सोएंगे, यहाँ की स्थिति और शरीर को पहुंचने वाली वाइब्रेशंस वेरी प्योर, पावरफुल और डिवाइन होंगी। रात को सोने से पहले कोई प्रॉब्लम के बारे में सोचना, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट, ये सब कभी भी नहीं होना चाहिए सोने से पहले। सोने से पहले ये मन को बिल्कुल स्लो डाउन कर देना चाहिए। तब जब हम सोते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं सोता, मन को भी सोना है। एंड फॉर द माइंड टू स्लीप, द माइंड हैज टू स्लो डाउन बिफोर स्लीपिंग। तो सोने से 10-15 मिनट पहले आप फिर से कुछ स्टडी करें स्पिरिचुअलिटी, एंड फिर लास्ट थॉट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप, फिर से वो 10 थॉट्स। तो सुबह हो गया, हर 1 घंटे के बाद हो गया, और रात को सोने से पहले। और लास्ट एक चीज, खाना खाने के टाइम। इस समय हम सब वेजिटेरियन ही खाना खा रहे होंगे, डॉक्टर्स ही हमें बताते हैं कि इस समय हमें अल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए। इस समय अल्कलाइन तो लेनी है, लेकिन इस समय खाने की वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छी हाई होनी चाहिए। अगर हम में से कोई नॉन वेजिटेरियन अभी भी खा रहा है, तो 3 महीने के लिए वेजिटेरियन डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। जो हम खाना खाते हैं, इट्स नॉट जस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी, वो सिर्फ शरीर को शक्ति नहीं देता, इट इज वाइब्रेशन फॉर द माइंड। वी आर वॉट वी ईट। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इस शक्ति को तो पकड़ लेना है इस समय, क्योंकि हमें मिरेकल्स क्रिएट करने हैं ना। तो हर तरफ से हमें सारी शक्तियों को यूज करना है कि मन को पावरफुल कैसा रखना है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, विच मीन्स द वाइब्रेशंस ऑफ द फूड एंड द वाइब्रेशंस ऑफ द वॉटर वी ड्रिंक हैव टू बी वेरी प्योर। इस समय शहर के पानी में ही डर है, और जो सब्जी फ्रूट फल सब कुछ जो आ रहा है उसमें भी डर है। खरीदने वाला भी डर रहा है, बेचने वाला भी डर रहा है, और जहां उग रही है वहां भी डर है। सो बी रेस्ट अश्योर्ड, देयर इज वाइब्रेशन ऑफ फियर एवरीवेयर। तो जैसे हम किसी चीज को धोए बिना नहीं खाते ना, इसी तरह हमें किसी चीज की एनर्जी को चेंज करे बिना नहीं खाना है। किचन में, हॉस्पिटल के किचन में कर सकें तो भी बहुत अच्छा, कि हॉस्पिटल के किचन में और घर के भी किचन में परमात्मा के याद के गीत बजाइए पूरा दिन, 24 आवर्स। किचन के अंदर, हॉस्पिटल में भी और घर में भी, परमात्मा के याद के गीत, मतलब स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, भजन, मंत्र, आपको जो अच्छा लगे। इवन अगर ओम शब्द चल रहा है, हाई एनर्जी वर्ड, लेट इट कीप प्लेइंग इन द किचन। जो हाई एनर्जी वर्ड्स आपको अच्छे लगे, अपने किचन में पूरा दिन उसको प्ले करने दीजिए। इवन अगर किचन में कोई नहीं है तो भी वो हाई एनर्जी वर्ड्स चलने दीजिए। घर का पानी बदल जाएगा, सब्जी फल सब बदल जाएगा। प्रसाद गुरुद्वारे में लंगर ऐसे ही बनता है कि भगवान की याद के गीत चलते हैं वहां,
और एक-एक वर्ड उस खाने में जाता है तो वो खाना खाना नहीं रहता, वो प्रसाद और लंगर बन जाता है और वो मन को सुकून देता है और शरीर को सेहत देता है। और यही तो हमें चाहिए ना अभी। तो किचन में हाई एनर्जी वर्ड्स नीड टू प्ले। अगर आप अपने घर में खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय बहुत ध्यान रखना कि भगवान को याद करते हुए वो 10 थॉट्स रिपीट करते हुए खाना बना लीजिए। एंड लास्ट चीज, खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करके वो 10 थॉट्स आप खाना खाने से पहले फिर से दोहरा दीजिए। जस्ट रिपीट दोस 10 थॉट्स बिफोर योर एवरी मील, बिफोर ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम पानी को पीने से पहले परमात्मा को याद करते हैं, जो कि हमें बचपन से सिखाया था कि खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले भगवान को याद करो, ग्रैटिट्यूड, वी एनर्जाइज एवरीथिंग, एवरीथिंग वी कंज्यूम शुड बी एनर्जाइज्ड। तो वो 10 थॉट्स या जो भी ऐसे हाई एनर्जी थॉट्स आपको क्रिएट करने हैं, कुछ भी आप चूज कीजिए कि जो आप चाहते हैं कि हो, आप उसको हाई एनर्जी थॉट बना दीजिए। खाना खाने से पहले परमात्मा को याद कीजिए, वो थॉट्स रिपीट कीजिए। पानी पीने से पहले वो थॉट्स रिपीट कीजिए। चाय, दूध, कॉफी पीने से पहले वो थॉट्स रिपीट कीजिए। तो जो आपके अंदर जाएगा उसकी एनर्जी को आपने चेंज कर दिया है, और जो अंदर जाएगा उसकी एनर्जी अगर चेंज हो गई है, यहाँ की एनर्जी चेंज हो जाएगी, और अगर यहाँ की एनर्जी चेंज हो जाएगी, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। संकल्प से भाग्य बनता है, संकल्प से सिद्धि होती है। हर एक इस समय अपना भाग्य बना रहा है। जो सब सोच रहे हैं वो मत सोचिएगा, अलग सोचिएगा और अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करिएगा। और आपका रोल तो इतना सुंदर है कि अगर आप अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करते हैं तो आप औरों के जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करने के निमित्त बन जाते हैं। आपका मन जब शांत और शक्तिशाली रहेगा तो बस आपके रूम में एंटर करने से वो पेशेंट का माइंड चेंज हो जाएगा। इस समय आप पेशेंट के नजदीक नहीं जा सकते, कोई उसको टच नहीं करता, सब चीज वो पहनी हुई है, तो हीलिंग का तरीका भी तो बदल गया ना, लेकिन वाइब्रेशंस जो आपके हैं वो जो आपने पहना हुआ है उससे ब्लॉक नहीं होती। वो शायद आपको देख नहीं सकते, शायद आपकी स्माइल को भी वो देख ना सके, लेकिन आपकी वाइब्रेशंस वो जो आपने पहना है उससे ब्लॉक नहीं होती है। तो वाइब्रेशन से हम उनको हील करेंगे। तो ये 10 थॉट्स सुबह हर 1 घंटे के बाद, हर खाना खाने के टाइम, कुछ पीने के टाइम और रात को सोने से पहले, स्पिरिचुअल स्टडी 15 मिनट सुबह उठकर, 10 मिनट रात को सोने से पहले, और मेडिटेशन, परमात्मा से एक प्यारा सा रिश्ता। अगर ये 10 दिन भी कोई कर ले, सिर्फ 10 डेज, ये 10 थॉट्स 10 डेज के लिए आप इतनी बार कर लीजिए, 10 डेज के अंदर आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड बहुत हाई वाइब्रेशन पे मिलेगी, बहुत डिफरेंट। यू विल फील कंप्लीटली डिफरेंट। एंड जब आप फील अलग करेंगे तो डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। और एक बात निश्चित कर लीजिएगा, आपके पास दुआएं बहुत सारी है, बहुत दुआएं जमा की हैं आपने अपने कर्मों से, बहुत दुआएं हैं। शायद सारे डर लें, लेकिन आप नहीं डरना, क्योंकि आपके साथ कुछ नहीं होगा। भगवान की शक्तियां, सबकी दुआएं और इस समय सबकी प्रार्थनाएं वो आपके साथ हैं। ये संपूर्ण निश्चय रखिए, अपने जीवन में भी मिरेकल क्रिएट कीजिए और सबके लिए फरिश्ता बनकर उनको सुकून और सेहत दीजिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे अभी, और हम साइलेंस में एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले 1 मिनट वो थॉट्स को हम फिर से रिपीट करते हैं। एंड जैसे जैसे आप वो थॉट्स को सुनेंगे, आप उनको मन में कहिएगा, रिपीट इट इन योर माइंड, एंड उसको फील भी करना, विजुअलाइज द थॉट। आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूं, सिचुएशन, लोग, जो भी हो रहा है मेरे आसपास,
उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूं। मैं शांत हूं। आई एम अ पीसफुल बींग। चाहे कोई भी बात आ जाए, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार पीसफुल है। आई एम फियरलेस, मैं निर्भय हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। आई एम हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है। गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी। नथिंग कैन एंटर इनटू दिस सर्कल। इसमें कुछ भी घुस नहीं सकता। ये मेरा सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे परिवार के चारों तरफ है। मेरा परिवार सुरक्षित है। परमात्मा की दुआएं और शक्तियों का कवच मेरे हॉस्पिटल के चारों तरफ है। ईच वन इज सेफ, पावरफुल एंड हेल्दी। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरी सृष्टि के चारों तरफ है। देखिए इसको, गॉड्स हीलिंग एनर्जी, व्हाइट लाइट अराउंड द प्लैनेट। वो चीज जो आई थी चली गई है, फिनिश्ड फॉरएवर, नेवर टू कम अगेन। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। आई एम गॉड्स एंजल। भगवान मुझे यूज करता है। सबको सुख और सेहत देने के लिए ये मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा का और मेरे भाग्य का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।